सबसे पहले हम बात करेंगे एम्पटा टेक्नोलॉजी के बारे में। एम्पटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर हम कल के दिन की भी बात करें तो एक फ्लैटिस परफॉर्मेंस, लेकिन अगर हम पिछले 5 दिनों की बात करें तो 11.5% की तेजी। अगर पिछले 1 मंथ की बात करें रफली 6.5% की तेजी। बट अगर आप बॉटम लेवल से देखोगे तब एक टाइम पे स्टॉक कुछ ही दिन पहले 1600 1650 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था इस लेवल पे। उसके बाद सिर्फ 2-4 दिनों में स्टॉक ने सीधा कमाल के रैली दिखाया, 1600 1700 के लेवल से सीधा 2000 के लेवल तक। और नो डाउट इतने अच्छे रिकवर होने के बाद भी आज भी अगर देखोगे टॉप लेवल से ये रिकवरी ये कमबैक आपको दूर दूर तक नजर भी नहीं आएगा, क्योंकि आज भी ये स्टॉक टॉप लेवल से आपको रफली लगभग 30-35% तो आपको नॉर्मली गिरावट देखने को मिल जाएगा। मतलब जो रिकवरी स्टॉक ने दो चार दिनों में दिखा है वाकई कमाल की रिकवरी दिखा है, बट ये रिकवरी काफी नहीं, और भी स्टॉक को बहुत हद तक रिकवरी दिखाना बाकी है। लेकिन ये जो 2-4 दिनों में इम्टान ने जिस प्रकार के कमाल की रैली दिखाई, एक टाइम पे ऐसा लगा था अब तो ये सीधा 1600 के लेवल को ब्रेक करके 1500 तक भी स्टॉक जाएगा, बट अच्छी बात है कमाल की कमबैक दिखा। और ये जो कमबैक स्टॉक ने दिखाया दोस्तों ऐसा ही नहीं कि स्टॉक इस प्रकार के कमबैक दिखा है, इस कमबैक के पीछे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि वो इनडायरेक्टली पॉजिटिव रीजन है। कुछ होते हैं डायरेक्टली रीजन होते हैं और कुछ होते हैं इनडायरेक्टली। और अगर उस इनडायरेक्टली न्यूज की बात करें दोस्तों तो एक ब्रोकरेज हाउस के पॉजिटिव कॉमेंट्री, और अगर हम कॉमेंट्री की बात करें तो आप देख सकते हो कि जेफरीज ने 45% के पोटेंशियल बताया इन तीनों स्टॉक डिफेंस स्टॉक की, एक है HL, डेटा पैटर्न और अगर हम बेल की बात करें। लेकिन ये किस चीज के लिए उसके बाद में आपको बताऊंगा कि एम्पटा स्टॉक क्यों भागा है। तो वो न्यूज आप देख सकते हो दोस्तों, जेफरीज आप देख सकते हो जेफरीज के साइड से कि जेफरीज दोस्तों पूरी तरह से बुलिश है कि जो गवर्नमेंट है वो अच्छी तरह से फोकस करेंगे बिल्डिंग टू कंट्री रिलेशन। तो इसके चलते दोस्तों ये इनका ये टारगेट है, उनको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हमारे इंडिया जो अभी तक डिफेंस के ऊपर जिस प्रकार के उन्होंने एक्सपेंड किया, मतलब जिस प्रकार के उन्होंने खर्चे किया, ये खर्चे आने वाले टाइम में इसी प्रकार से ग्रो होते आपको देखने को मिल जाएगा 2024 से लेकर 2030 तक। आने वाले सिर्फ 5 से 6 सालों तक जो हमारे डिफेंस के ऊपर जो स्पेंड रहने वाले हैं, जो खर्चे रहने वाले हैं दोस्तों हमारे इंडियन की बात करो वो 2x आपको ग्रोथ होते हुए देखने को मिल जाएगा। मतलब इस प्रकार के आपको इंडिया हमारे डिफेंस सेक्टर के ऊपर खर्चे करते देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली अगर आप डिफेंस सेक्टर के ऊपर इस प्रकार के 2x खर्चे करोगे तो ये सारे ऑर्डर मिलेगा कहाँ, तो मतलब ये सारे ऑर्डर जाएंगे कहाँ, ये खर्चे जाएंगे कहाँ, तो हमारे जो डिफेंस के डोमेस्टिक जो कंपनी है जैसे अभी मैंने आपको ये कंपनी लिखा है HL, मतलब डेटा पैटर्न वेयर, मतलब जितने भी आप बोल सकते हो कि डिफेंस से जुड़ा जो भी कंपनी काम करते हैं, तो हर कंपनी को कुछ ना कुछ आपको ऑर्डर या कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिलते देखने को मिल जाएगा। बट ये कुछ पॉपुलर कंपनी है तो इसी कंपनी को जेफरीज हमें सबसे पहले वो अपना अपग्रेड या फिर सामने लाते हुए देखने को मिल रहा है। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ इन तीनों कंपनी को फायदा होगा, मतलब डिफेंस से जुड़ा हुआ जो भी कंपनी है जो थोड़ा बहुत काम करते हैं तो हर एक कंपनी के लिए वो पॉजिटिव न्यूज है। और आपको पता है कि एम्पटा टेक्नोलॉजी इस कंपनी का भी बहुत अच्छे खासे योगदान हमें डिफेंस में और स्पेस में देखने को मिल जाते हैं। न्यूक्लियर में भी 13%, बट डिफेंस जो स्पेस है उसमें 15-16%। बट कंपनी के जो कोर सेगमेंट है वो तो 65% तो क्लीन एनर्जी जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड है, बट ये डिफेंस और स्पेस भी कंपनी के एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। तो अगर आप ऐसा बोल सकते हो कि जेफरीज को जो लगता है कि आने वाले टाइम में हमारे इंडिया गवर्नमेंट जो अभी तक डिफेंस सेक्टर के ऊपर जिस प्रकार के खर्चे किया है स्पेंड उन्होंने किया है, ये स्पेंड यही खर्चे आने वाले 2030 तक आपको 2x ग्रोथ दिखाते देख, मतलब 2x खर्चे करते आपको देखने को मिल जाएगा हमारे डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर के लिए। तो ऑब्वियसली डिफेंस से जुड़ा जो भी कंपनी काम करते थोड़ा बहुत भी काम करते हर कंपनी को एक अच्छे खासे बेनिफिट आपको मिलते देखने को मिल जाएगा। तो इसी के चलते आप बोल सकते एम्पटा ने भी पिछले 2-4 दिनों में HL के साथ साथ, वेल के साथ साथ, डेटा पैनल के साथ साथ, बाकी और भी जो डिफेंस कंपनी पारस डिफेंस उसमें भी आपने देखा होगा कि अच्छे खासे दीजिए, उनके नाम जेफरीज ने मेंशन नहीं किया। पॉइंट समझ में आ जाने चाहिए जो न्यूज है वो डिफेंस रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली डिफेंस से जुड़ा जो भी डोमेस्टिक कंपनी है हर एक स्टॉक में भी हमें एक अच्छे खासे रैली देखने को मिला, जिनमें हमें एम्पटा टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाते हैं। तो यही एक पॉइंट है जिसके चलते हमें स्टॉक में पिछले 2-3 दिन में एक अच्छे खासे रिकवरी दिखाए। बट आपको पता है जो स्टॉक ने जिस प्रकार की रिकवरी दिखाई या फिर जो तेजी स्टॉक में अभी बना हुआ है, इस तेजी को अगर मेंटेन रखना है और 2000 को अचीव करके फिर अगर तेजी दिखाने यहाँ तक स्टॉक को पहुंचना है तो उसके लिए इस ये न्यूज बेस बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ये न्यूज बेस क्या होता है, 1-2 दिन 3 दिन इस प्रकार की न्यूज रहता है फिर धीमे धीमे स्टॉक में फिर से जितना भागता है उतना स्टॉक में गिरावट हो जाता है। तो अगर स्टॉक को तेजी आने के बाद तेजी को टिकना है फिर और आगे तेजी दिखाना है तो उसके लिए कंपनी के परफॉर्मेंस कमाल के होने चाहिए, कंपनी के Q4 के कमाल के होना चाहिए। और अभी तक के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के नंबर तो खराब से भी खराब हमें देखने को मिले। एक तो मैनेजमेंट ने कहा था कि भाई हमारे नंबर खराब आने वाले हैं और जब जितना मैनेजमेंट ने कहा था उससे और भी खराब देखने को मिला। मतलब नंबर आप खुद देख सकते हो, पिछली बार जो नंबर दिखाए थे वाकई बहुत खराब थे, मतलब
बहुत बहुत ज्यादा खराब थे। तो इस बार भी कहा कि इस बार भी हमारे नंबर खराब ही आने वाले। तो क्या इस बार इस एक मतलब 118 करोड़ से भी नीचे इनकम आएगा? और उसी के साथ साथ जो 11 करोड़ के प्रॉफिट उन्होंने दिखाए थे, तो क्या 11 करोड़ के सिंगल ईयर में प्रॉफिट, क्या सिंगल डीट में प्रॉफिट आएगा 8 करोड़ 9 करोड़? अगर ऐसा आता है तो आप खुद सोच सकते हो, जो स्टॉक में एक कमबैक आया ना, वो इजीली आपको एक ही दिन में गिरते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारा फोकस इस तेजी के ऊपर नहीं, कंपनी के नंबर के ऊपर रहने वाला है, और उसी के साथ साथ मैनेजमेंट के कॉमेंट्री के ऊपर भी रहने वाले हैं। और उसी के साथ साथ सिर्फ ऐसे नहीं कि इसके नंबर के ऊपर फोकस रखना है, इसके और भी कुछ डेटा है जिसके ऊपर आपको फोकस रहना चाहिए। अगर आप एमटार में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, फिर ऑलरेडी अगर आप इन्वेस्टेड हो, चाहे टॉप पे हो चाहे बॉटम पे, तो नंबर के साथ साथ ये भी कुछ डेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपका फोकस में रहना चाहिए। पहले तो बैलेंस शीट, इस बार आपको सीधा मार्च के जो पूरे फाइनेंशियल है उसके बैलेंस शीट हर कंपनी के आपको अपडेट होते देखने को मिल जाएगा। तो एमटार तो छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है, तो इसका तो सबसे पहले आपको फोकस में रहना चाहिए। तो बैलेंस शीट में देखोगे तो जो कंपनी के लोन है तो वो लगातार आप देखते हो, एक टाइम पे 19-20 करोड़ के थे लोन, फिर 96 हुआ 150 करोड़, अभी 250 करोड़ के आसपास, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव सिग्नल है कंपनी के इनकम के हिसाब से। कंपनी के इनकम एक ही रेंज पे है, बट कंपनी के लोन लगातार इंक्रीज होता ही जा रहा है। दूसरा पॉइंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न। जब भी कंपनी 2.5 साल 3 साल पहले बाजार में लिस्टेड हुआ, कितना अच्छे पॉइंट था कि 50% स्टेक, अब ये 50% से कम होते 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 अभी सीधा दोस्तों 40% के भी नीचे आ चुका है, देखो तो 37%। और जो डीआईएस थे जिनके ऊपर थोड़ा बहुत ट्रस्ट था कि चलो डीआईएस है तो कंपनी को रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो उनके पास 28% थे, जो कि 2 क्वार्टर में उन्होंने 9% स्टेक बेच दिया, और पूरा का पूरा 9% स्टेक पब्लिक की बाइक है। 20% से आप सीधा 32 से लेकर 33%। तो ये एक बहुत बड़े नेगेटिव पॉइंट है, आप इसको लाइटली मत लेना, क्योंकि ये छोटी कंपनी है और प्रमोटर के पास जितना होल्डिंग हुआ उतने वो कंपनी को जोड़ देंगे कंपनी को ग्रो करने के लिए। और कंपनी अगर लगातार मान लो अभी 37 से सीधा 30 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 10-15% अगर प्रमोटर आ गया और अगर FSJSP निकल गया दोस्तों, तो वो और भी बहुत बड़ा मतलब नेगेटिव सिग्नल रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रमोटर के पास तो 5-10% अगर स्टेक रहेगा तो वो क्यों जोड़ देंगे भाई कंपनी को ग्रो करने के लिए? उनको तो पता है कि उनके पास कम स्टेक है, और प्रमोटर के पास अगर 50-60% स्टेक होगा, उनको पता है कि आज कंपनी को अगर ग्रो कर लिया, कंपनी को 10 गुना अगर बड़े बना लिया, तो सबसे ज्यादा फायदा मुझे ही होने वाला है क्योंकि मेरे पास ही सबसे बड़े स्टेक है। तो इस पॉइंट को भी नोट डाउन करके चलना। तो नंबर के साथ साथ जो इस बार शेयर होल्डिंग पैटर्न रहेगा तो उसके ऊपर भी फोकस रखना कि भाई क्या इस बार जो मतलब 2 क्वार्टर में क्या कहते हैं, सबसे पहले तो प्रमोटर के पास क्या इस बार भी प्रमोटर 37 के नीचे आता है, तो और एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद FS का इस बार जो 2 क्वार्टर से लगातार 3 क्वार्टर से खरीद रहा है, तो किस बार खरीद रहा है या थोड़ा वो भी माल बेच रहा है, इसके ऊपर भी फोकस रहना चाहिए। उसके बाद DS 2 क्वार्टर में 9% स्टेक बेचा, क्या इस बार भी स्टेक बेचते 18% के नीचे आते हैं, और पूरा माल कौन खरीदते हैं पब्लिक, तो इसके ऊपर भी फोकस रहना चाहिए। उसी के साथ साथ इन 37% से भी 9-10% स्टेक वो दूसरी बार प्लेज रखा हुआ, ये पूरा 30% स्टेक प्रमोटर के पास है ही नहीं, उसमें से भी 10% स्टेक उन्होंने प्लेज रखा हुआ, तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो क्या प्लेज वाले इस बार भी इंक्रीज होता है? तो सारे पॉइंट के ऊपर फोकस रहना चाहिए, तभी जाके आप एवरेज और फेस बाइंग करने के बारे में सोच रहे हो, तब आराम से इसके बारे में अपना सेफ्टी डिसीजन आप ले सकते। कंपनी खराब नहीं, अभी भी लिस्टिंग हुआ, बहुत ही हाईली रिस्की कंपनी है, इतना तो जरूर है, बट कंपनी का तो दम है बिजनेस में कि फ्यूचर में अच्छा कर सकता है, बट प्रमोटर का लगातार निकलता जाएगा, FS भी निकलता जाएगा, DS भी निकलता जाएगा, फिर भाई किसके भरोसे पर फिर रहना है हमें, फिर हमें भी कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ सकता। तो इसलिए किसी को एक भी शेयर बाय करना है डिस्काउंट को देख के या फेस बाइंग करना है डिस्काउंट को देख के, तो ऐसा मत करो। नंबर को आ जाने, तो छोटी कंपनी रिस्की कंपनी, नंबर अच्छे लगते हैं, मैनेजमेंट के गाइडेंस अच्छे लगते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गए, बैलेंस शीट हो गई, सारी डेटा अगर आपको अच्छे लगते हैं, तभी आप आराम से इसके बारे में सेफली डिसीजन आप ले सकते हो। दूसरा स्टॉक की बात करें तो हैप्पी स्मार्ट टेक्नोलॉजी, ये भी एक दमदार कंपनी और ये भी कंपनी फ्यूचर में बहुत बड़ी कंपनी बनने के दमखम रखते हैं, बट अगर हम शॉर्ट टाइम की बात, तो 2-3 सालों तक उसने सिर्फ डिसअपॉइंटिंग किया, एक मिड कैप कंपनी होने के बाद एटलीस्ट इतना हम एक्सपेक्ट करते हैं मिड कैप कंपनी से कि मिड कैप जो अच्छे कंपनी थे वो एटलीस्ट अच्छे प्रॉफिट बना के दे, बट इसने तो पिछले कुछ सालों से, पिछले 2.5 से 3 सालों से सिर्फ डिसअपॉइंटिंग और डिसअपॉइंटिंग, मतलब इन्वेस्टर का पैसा सिर्फ इसने लूज ही किया, 44 से लेकर 50% डाउन है, वो भी एक तरफा डाउन है, और 300 मतलब 2.5 से लेकर 3 साल इतने बड़े लंबे कंसोलिडेशन में, मतलब बहुत खराब इसने परफॉर्मेंस किया अपने कंपनी के साइज के हिसाब से। लेकिन लेकिन इसमें एमटार टेक्नोलॉजी से थोड़ा अलग डिफरेंट ये है दोस्तों कि ये कंपनी फ्यूचर में बहुत बड़ी बनने के दमखम रखते हैं, एमटार भी रखता, मतलब एमटार के अंदर भी है कि एमटार टेक्नोलॉजी भी फ्यूचर में बहुत बड़ी कंपनी बन सकते, बट ये उस पाथ पे काम कर रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एमटार टेक्नोलॉजी को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में बड़ी बन सकते हैं, बट अभी तक उस प्रकार के मैनेजमेंट के कमेंट्री रहा नहीं, बट अगर हम हैप्पीस्ट मैन की बात करें तो ये इनके हमें हाल ही में कुछ मैनेजमेंट के कुछ प्रकार के एक्विजिशन, कुछ प्रकार के अनाउंसमेंट भी देखने को मिला, जिन्होंने उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, हम लंबी अवधि में बहुत अच्छा कर सकते हैं।
जैसे आपने हाल ही में देखा होगा, कंपनी ने AI से रिलेटेड बहुत सारे डील किया। उन्होंने कहा कि आने वाले 24 मंथ में, 2 सालों में हम जो AI में जो हमारा इन्वेस्टमेंट रहने वाला है उसको 2x करने वाले हैं, डबल इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ सुरो को, इतनी बड़ी कंपनी, उनके साथ उन्होंने AI से रिलेटेड पार्टनरशिप किया, और एक प्लस पॉइंट है। और उसी के साथ साथ हाल ही में उन्होंने एक न्यू इंडस्ट्री ग्रुप लॉन्च किया उन्होंने, जो जिसमें 6 न्यू वर्टिकल रहेंगे। और ये सारी चीजें इसलिए वो कर रहे हैं, उनके एक ही विजन है कि वो प्लान कर रहे हैं टू गेनर 1 बिलियन रेवेन्यू बाई 2031, 2030-31 तक उनका एक ही टारगेट है कि कैसे भी करके इस टारगेट तक वो पहुंचे। तो अभी अगर आप कंपनी के सेल्स को देखोगे तो बहुत ही कम नजर आएगा, 1400-1500 करोड़ के आसपास, 1 साल का, 12 मंथ का। और उनका टारगेट है कि 2030 तक हम 1 साल में 8000 करोड़ के सेल्स जनरेट कर सकते हैं। और उसके लिए जो जो करना चाहिए वो सारी चीजें कंपनी उसी पाथ पे चल रहे हैं। अगर वो इस चीज को अचीव कर ले तो आप खुद सोच सकते हो कंपनी इस लेवल से कंपनी के सेल्स 5x 6x होते आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर कंपनी के सेल्स 5-6 गुना बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, EPS भी बढ़ेगा, तो स्टॉक प्राइस भी यहाँ से 5-6 गुना आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल सकता है। बट ये होगा लंबी अवधि, मतलब 2030-31, मतलब 2024, अभी भी 6-7 साल, मतलब बहुत ही लंबी अवधि की बात हो रही है। बट अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ कि स्टॉक ग्रो क्यों नहीं कर रहे, तो आपको नंबर देख के समझ में आ जाएगा कि पिछले 2 साल से कंपनी के सेल्स में, प्रॉफिट में, OPS में कोई ग्रोथ ही नहीं, एक ही रेंज में, एकदम 300 के रेंज में कंपनी के सेल्स है। और उनको ये भी उन्होंने कहा कि फ्यूचर में लंबी अवधि में हम अच्छे करने वाले हैं। तो जिनको भाई लंबी अवधि के लिए जो कोई होल्ड कर सकता है और इनके मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट है, अशोक सोता जी के ऊपर, तो आप डेफिनेटली बने रह सकते हो और लंबी अवधि में ये कंपनी जरूर अच्छा करते हुए आपको देखने को मिलेगा। देखो ये गिरावट जो 3 साल से हो रहा है ना, एक दो बार अच्छे नंबर दिखा दे तो जितना स्टॉक 3 साल में गिरा है वो 3 मंथ में ये सारे लेवल को ब्रेक करके, 1600 तक स्टॉक गए थे 1580, इसको ब्रेक करके यहाँ से भी डबल, यानी कि 2400, 2000, 3000, मतलब जब स्टॉक में तेजी आता है तो इतना रफ्तार से आता है जितना आप सोचते हो उससे कई गुना आपको ये अच्छे रिटर्न बना के दे देता है। तो हैप्पीस माइंड बहुत दमदार कंपनी है, लंबी अवधि के लिए आप चाहो तो उसमें जरूर बने रहे, तो आपको बड़े रिटर्न कमाने हैं तो, क्योंकि लंबी अवधि में इसका पूरा पोटेंशियल है कि लंबी अवधि में ये कंपनी वाकई बहुत बड़ा, मतलब बहुत कमाल की ग्रोथ दिखा सकता है। बट किसी को फेज बाइंग करना है तो उसके लिए इतना है कि भाई अभी क्वार्टर 4 के नंबर के सीजन है, नंबर को आ जाने दो, किसी भी कंपनी में नंबर को देख लो, अगर आपको नंबर अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा था कि क्वार्टर 4 से और खास करके FY21 से हमारे नंबर थोड़ा बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो इस क्वार्टर 4 के नंबर कैसे आते हैं और उसके बाद मैनेजमेंट के गाइडेंस क्या रखते हैं, सारी चीजों को देख लो, उसके अकॉर्डिंगली आप बड़ी सेफली आप अपना डिसीजन आप ले सकते हो। आखिरी स्टॉक की बात करें तो कैनरा, अगर हम कल के दिन की बात करें तो 101% की, 6 मंथ में 63%, साल भर की बात करें 116%, और 5 साल में देखोगे तो आपको उतने देखने को मिलेगा। सो कैनरा बैंक की बात करें तो ये जो तेजी स्टॉक में एक प्रकार के बना हुआ है, उसके पीछे का और एक रीजन है कि हाल ही में कंपनी ने 1:5 का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था, तो जिसके पास है उनके लिए गुड न्यूज, आपके पास है नहीं तो इसके लिए स्टॉक को फ्रेज बाय करने की जरूरत नहीं है, अच्छे स्टॉक में बने रहोगे तो इस प्रकार के कॉर्पोरेशन आपको अच्छे स्टॉक में भी फ्यूचर में देखने को मिल सकता है।